आगांत रहते देवी आदिशक्ति महेश्वरी योगजे योग संभूते महालक्ष्मी नमस्तुते जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवाधात्री स्वाहा स्वदा नमस्तुते। स्वागत है आप सभी का मेरे एचएस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको कार्तिक मास के नवे दिन की यानी अष्टमी की कथा सुनाऊंगा। अहोई अष्टमी की किस प्रकार से यह व्रत रखा जाता है, किस प्रकार से माता ने वरदान दिया, इस व्रत का क्या महत्व है, किस प्रकार से यह व्रत रखना चाहिए, क्या कथा है। देवऋषि नारद से राजा प्रथु कहते हैं कि हे मुनि, अब कृपा करके आपने हमें सभी विधि बता दी, अब हमें पुत्र और धन देने वाला व्रत बताइए। वह कौन सा व्रत है जिससे संतान इनों को संतान की प्राप्ति होती है, पुत्र की प्राप्ति होती है, हर मनोकामना पूरी हो जाती है, संतान की रक्षा होती है। देवऋषि नारद जी कहते हैं कि हे राजन, तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है, अब मैं तुम्हें अहोई माता का व्रत बताता हूं। राजा प्रतु कहते हैं कि हे देवऋषि, ये अहोई माता कौन है और इनका अहोई नाम कैसे पड़ा, क्या महत्व है, ये कृपा करके हमें बता दीजिए। राजा प्रतु के ऐसे वचनों को सुनकर के देवऋषि नारद कहते हैं कि हे राजन, प्राचीन समय की बात है, पहले समय में एक बार बहुत भयंकर अकाल पड़ा। अकाल इतना भयंकर था कि लोग त्राही त्राही करके मरने लगे। ऐसी दशा देख करके सारे लोग एकत्र हुए, सारे लोग एकत्र होकर के आपस में विचार करने लगे कि ऐसा कैसे अनर्थ हो गया, इतना बड़ा भयंकर अकाल पड़ा है। सभी विचार करने लगे, सभी आपस में विचार करने लगे और इस समस्या का निवारण ढूंढने लगे। वह सभी के पास जाने लगे, सभी एकत्र होकर के ब्राह्मणों के पास गए। उन्होंने ब्राह्मणों से निवेदन किया कि हे ब्राह्मण देवताओं, कृपा करके हमें ये बताइए इतना भयंकर अकाल कैसे पड़ा। ब्राह्मण ने मुनियों ने उनकी बातें सुनी और अपना गणित लगाया, दिव्य दृष्टि से नजर की तो उनको दोष नजर आया। उन्होंने कहा कि आप सभी को एकत्र होकर के माता काली की आराधना करनी चाहिए, अगर आप माता काली की आराधना करेंगे तो तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी होगी। सभी ने एकत्र होकर के, कार्तिक का महीना था, अष्टमी का दिन था, सभी लोगों ने एकत्र होकर के महामहेश्वरी का आह्वान किया, उनसे निवेदन करने लगे कि हे आदिशक्ति, हे महायोगिनी, हे महेश्वरी, आप हमारे इस परेशानी का निवारण करें। ऐसा करते करते उन्होंने पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया। तभी वहां पर धीवर जाति की एक स्त्री आई और उसने पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम इस विपदा से निवारण के लिए माता आदिशक्ति की आराधना कर रहे हैं, इसके करने से हर समस्या का निवारण होता है, पुत्र धन की प्राप्ति होती है। धीवर जाति की जो स्त्री थी वह भी वहीं पर बैठ गई। सभी ने मिलकर के आदिशक्ति की आराधना की। तभी वहां पर महाकाली प्रकट हुई और इतना उन्होंने तप किया कि एक दिन के अंदर ही महाकाली उनके सामने आ गई। इसलिए एक दिन का अहोरात्र होता है, इसलिए उनका नाम अहोई माता पड़ा। सभी ने हाथ जोड़ करके माता से निवेदन किया। माता बोली कि इस समय में सभी लोग अपने धर्म से भ्रष्ट हो गए हैं। ब्राह्मणों ने वेद पढ़ना बंद कर दिया है, क्षत्रियों ने रक्षा करना बंद कर दिया है, शूद्र और वैश्यों ने अपने अपने कार्य बंद कर दिए हैं, स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन नहीं करती, चारों तरफ घनघोर पाप है, इसलिए यह अकाल पड़ा है। अब तुम सभी किसी प्रकार की चिंता मत करो, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी से यह व्रत शुरू किया जाता है। सप्तमी के दिन जो संतान प्राप्ति के लिए व्रत करते हैं उनको चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। अष्टमी के दिन जो संतान सुख की प्राप्त कामना करते हैं, संतान की रक्षा की कामना करते हैं, पुत्र धन की कामना करते हैं,
वह चंद्रमा को और तारों को अपने साथ दोनों को अर्घ देते हैं। यह व्रत संभवतः तारों का होता है, कहीं कहीं जो है चंद्रमा को भी अर्घ देते हैं। तुम्हें शाम को तारों इस प्रकार से व्रत रखना चाहिए और दीवार पर अच्छी तरह गंगा जल छिड़के, वहां पर अहोई का चित्र बनाएं, वहां पर आप जो मैं वरदान देती हूँ, ये धीवर जाति की स्त्री ने भी मेरी तपस्या की है, इसलिए मालिन और धीवर जाति की भी साथ में पूजा की जाएगी। इनके बच्चों का वहां पर चित्र बनाएं, माता काली का आह्वान करें और पूरे दिन व्रत रख करके शाम को मीठे पकवान बना करके, पुए बना करके, हलवा बना करके भोग लगा में, तो तुम्हारी मनोकामना पूरी हुई। सभी ने व्रत की विधि समझी। इतना कह करके महाकाली अंतर्ध्यान हो गई। सभी ने एकत्र होकर के यह व्रत किया। अहोई अष्टमी आने पर फिर उन्होंने दोबारा व्रत किया और पूरा साल उनका सुख में बीता। जिनको संतान की प्राप्ति नहीं थी उनको संतान की प्राप्ति हुई, जिनकी संतान थी उनके संतान की रक्षा हुई। यह व्रत बहुत ही बड़ा व्रत है। जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई है वह अपनी मनोकामना बोल करके इस व्रत को कर सकते हैं। इस व्रत में एक पाटे पर आप बाजार से फोटो भी ला सकते हैं, वही माता की वह रख सकते हैं। आप दीवार पर भी चिन्ह बना सकते हैं, साथ में श्याम माता का भी चिन्ह बनाया जाता है। थोड़े से गेहूं के दाने सामने रखें, शुद्ध देसी घी का दीपक जलावे, एक लोटे में जल भर के रखें और मीठे पकवान पुए बना करके, और इस कहानी को सुना जाता है। इस कहानी को हाथ में 7 गेहूं के दाने लेकर इस कहानी को सुने। चांदी की अहोई माता आती है, उसको भी रख करके पूजा की जाती है। उसके बाद में शाम को अर्घ दे करके यह व्रत खोला जाता है। इस व्रत के करने से पुत्र और धन की प्राप्ति होती है, सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। यह व्रत बहुत ही बड़ा व्रत है। इस व्रत के करने से जो भी मन में कामना हो सारी कामनाएं माता अहोई पूरी करती हैं। माता काली का ही अहोई माता का रूप है। हे राजन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जो कोई अहोई माता का व्रत करते हैं जीवन में उनके किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। जो लोग कार्तिक मास में अहोई माता की पूजा करते हैं, तुलसी की पूजा करते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उनके जीवन के हर कष्टों का निवारण हो जाता है। कार्तिक मास की यह कथा बहुत ही पवित्र है। इस प्रकार से इस व्रत को रखना चाहिए और अहोई माता की यह कथा सुननी चाहिए। इसके करने से संतान की रक्षा होती है, पुत्र की धन की प्राप्ति होती है, हर मनोकामना पूरी हो जाती है। बोल अहोई माता की।